पेपर वन और पेपर टू का फ्री में कोर्स करने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के साथ। अगर आपका पेपर टू पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो डेली वीडियो आ रहा है इसका हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को देखिए, साथ में नोट्स बनाते जाइए, आपकी तैयारी फ्री में हो जाएगी। आपको कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। आपको हमारा स्टडी भरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फ्री कोर्स का। आपको अगर डेली वीडियो और पीडीएफ लेक्चर भी चाहिए तो आप हमारा पेपर वन पेपर टू का पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको डेली वीडियो और पीडीएफ मिलेगा, आपको लिखना जिसे नहीं पड़ेगा। और अगर आपको पेपर वन का कंप्लीट कोर्स पीडीएफ चाहिए या आपको घर बैठे बैठे स्टडी मटेरियल मंगवाना है तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कीजिए। बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। और पीस होती है शांति बनाए रखना। सो फंडामेंटल फैक्ट ऑफ आईआर, तो हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पहले पढ़ेंगे कि क्या फैक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट के, और फिर जो है हम उस पीस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट पर। कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी का। स्कॉलर्स आर ऑफ द व्यू दैट स्टडिंग कॉन्फ्लिक्ट कैन हेल्प दैम डिवेलप अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जब हम स्टडी करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में तो हमारी जो साइंटिफिक थ्योरी है वो डिवेलप होती है इंटरनेशनल रिलेशंस की। नेशंस एक्ट इन द इंटरनेशनल एरिना हुज एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। एक जो नेशन है वो इन्वायरमेंट में रहता है, तो उसमें बहुत सारे जो है उसके दूसरे नेशन के साथ कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, तो वो इसलिए नेशन को करेक्टराइज कर रहा है कि इन्वायरमेंट में वो ऐसे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में रहता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। नेशंस हैव डिफरेंट गोल्स एंड इंटरेस्ट, परस्यूट ऑफ दिस गोल्स एंड इंटरेस्ट गिव बर्थ टू कॉन्फ्लिक्ट। और हर एक जो नेशन है उसके अपने गोल्स होते हैं, अपना इंटरेस्ट होता है, मतलब कि अपने ही एम्स और अपने ही हित होते हैं, इसीलिए जो है कॉन्फ्लिक्ट, एक लड़ाई झगड़ा जो है वो जन्म लेता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन द एम ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और मेन एम होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उसे रिजॉल्व करना, ताकि किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा जो है वो ना हो। As it's quite clear from the above discussion that nations pursue different goals and different interests which give birth to conflict. कहते हैं above discussion से हमें अब ये पता चल ही गया है कि हर एक जो नेशन है उनके अपने अपने अलग अलग जो है वो हित होते हैं, इसी वजह से जो है वो लड़ाई झगड़े का जो है वो जन्म होता है। The way out of this perpetual state of conflict is international politics. और यही जो है एक कॉन्फ्लिक्ट जो होता है हमारी स्टेट में, तो उसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का दर्जा दिया गया है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इनलेबल्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज अ टेक्निक थ्रू विच नेशंस ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज सो एज टू अटेन पीस। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ऐसा होता है, ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो नेशंस हैं एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ताकि शांति बनी रहे। डिप्लोमेसी द बेस्ट मीन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और डिप्लोमेसी जो है वो भी एक बहुत अच्छा मीन्स है, एक बहुत अच्छा वे है ताकि कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई डिस्प्यूट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसे हम रिजॉल्व कर सकें। सो डिप्लोमेसी इज वन ऑफ द फंडामेंटल वेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो डिप्लोमेसी भी जो एक ऐसा वे है जिससे हम डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ थ्रू डिप्लोमेसी नेशन कन्वेज इट्स विशेज, डिज़ायर्स, गोल्स टू अदर नेशंस। डिप्लोमेसी के द्वारा ही एक जो नेशन है अपनी इच्छाएं, अपने हित,
अपने एम्स जो हैं वो दूसरे नेशंस तक पहुंचा सकता है। मोरगेंथो कंसिडर्स डिप्लोमेसी एंड द बेस्ट वे टू इंश्योर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो मोरगेंथो जी के अकॉर्डिंग जो डिप्लोमेसी है वो एक बेस्ट वे है ताकि एक जो डिस्प्यूट हैं दो नेशंस में या दो से ज़्यादा नेशंस में वो अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो सके। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अटेन आर्ट। डिप्लोमेसी जो है वो एक आर्ट की तरह होती है, तो इसे वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अटेन आर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि एक डिप्लोमेट होता है उसमें पावर होती है कि डिस्प्यूट को वो रोक सके। अब हमें ये पता है कि हर नेशन जो है वो अपना जो है एक डिप्लोमेट चूज़ करता है, एक एम्बेसडर भी रखता है। तो जो डिप्लोमेट है वो क्या करता है, वो ये बना के रखता है कि जो हमारी किसी भी नेशन है किसी भी नेशन से झगड़ा ना हो। इसीलिए जो डिप्लोमेट्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमने अर्थशास्त्र में भी जो है डिप्लोमेट्स के बारे में पढ़ा है, तो अर्थशास्त्र में भी डिप्लोमेट्स लिए गए थे कौटिल्य ने, मतलब कि बहुत सारे जो हमारे पुराने भी एक्ट्स हैं उनमें भी डिप्लोमेसी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ज़रूरी नहीं कि हमारे नेशनल लेवल पर ही डिप्लोमेसी की जो है इम्पोर्टेंस है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इंटरनेशनल लेवल पर भी डिप्लोमेसी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, बायलेटरल एज वेल एज मल्टीलेटरल। तो चाहे बायलेटरल हो दो नेशंस के बीच में हो या मल्टीलेटरल हो ज़्यादा नेशंस के बीच में हो, तो भी जो है हम डिप्लोमेसी यूज़ कर सकते हैं। हैंडल्स ऑल टाइप ऑफ मैटर्स, और ये क्या करता है, जिस भी तरह का मुद्दा हो उसे हैंडल करता है। डिप्लोमेसी फेलियर कैन लीड क्राइसिस। अगर डिप्लोमेसी फेल हो जाए तो इससे बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज डिप्लोमेसी ऑपरेट्स इन पीस एंड वॉर। तो हमने पहले भी अभी ये डिस्कस किया है कि जो डिप्लोमेसी है वो कब क्यों होता क्यों है, ताकि किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति बनाए रखने के लिए, और युद्ध जैसे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या युद्ध हैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए जो है डिप्लोमेसी यूज़ की जाती है। ये तो था कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो इंटरनेशनल रिलेशंस में है। अब जो है पीस थ्योरी है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, कि शांति जो है कैसे बनाए रखनी चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेडिकल कंटेम्प्रेरी कंसेप्ट ऑफ आर टाइम्स। और ये आजकल का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि हर एक नेशन जो है वो चाहता है कि शांति बनी रहे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के समय में इतनी तबाही हुई कि सभी जो व्यक्ति हैं मोस्टली वॉर सुन के जो है डर जाते हैं। द ऑरिजन्स ऑफ दिस थ्योरी आर ट्रेस टू द राइटिंग्स ऑफ इम्यूनल कांट्स वर्क परपेचुअल पीस। तो राइट एक इम्यूनल कांट है, उन्होंने काम किया था, मतलब कि बुक लिखी थी परपेचुअल पीस पर, कि शांति कैसे बनाए रखनी चाहिए। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स ऑफ दिस थ्योरी आर माइकल डॉले, ब्रूस रूजेट एंड फ्रांसिस फुकुयामा। तो उनके मेन स्कॉलर्स कौन कौन से हैं पीस थ्योरी के, माइकल डॉले, ब्रूस रूजेट और फ्रांसिस फुकुयामा। फुकुयामा इन दिस बुक इवेंट वन टू द एक्सटेंट ऑफ सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ लिबरलिज्म ऑल ओवर आइडियोलॉजी। तो फुकुयामा जो है अपने वर्क में, जो उनका वर्क है द एंड ऑफ हिस्ट्री या फिर द लास्ट मैन, इसमें उन्होंने अपनी जीत जो है सेलिब्रेट की है कि सभी आइडियोलॉजीज पर जो आज़ादी है लिबर्टी है वो ज़्यादा जीत प्राप्त करती है। सो इनके जो है फंडामेंटल अज्यूम्शंस हैं, लिबरल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट्स डू नॉट गो टू वॉर विद ईच अदर, कि जो आज़ाद और डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है शांति में ढंग से रहेंगे और युद्ध जैसी सिचुएशन जो हैं अराइज ना हो, इसीलिए वो एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क डिवेल्प्ड बाय कांत विच हैज़ थ्री फीचर्स। और इसी थ्योरी को कांत ने तीन फीचर्स में डिवाइड किया है। नंबर वन इज रिपब्लिकल डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स।
एंड द लास्ट वन इज ट्रांसनेशनल रिलेशंस। तो तीन फीचर हैं वो कौन कौन से हैं, ट्रांसनेशनल रिलेशंस, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स और रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। This theory raises a question as what should be the policy of the liberal state toward authoritarian state। तो अब ये question arise होता है कि जो liberal state हैं, आज़ाद देश हैं, उनका authoritarian state पर कैसा जो है policy अपनानी चाहिए। Authoritarian state should liberal state try attempt regime change or should they let the authoritarian state maintain their autonomy? क्या उन्हें authoritarian state को जो है अपनी autonomy, अपना दबदबा जो है वो maintain रखने देना चाहिए? तो ये उनका question है। Conflict transformation is a radical new approach which focuses on changing the way in which peace building initiatives are pursued specifically in the case of ethnic violence। जो conflict transformation है मतलब कि हमने लड़ाई झगड़ा जो है उसको ऐसे transform करना है कि जो शांतिमय ढंग है उससे transform करना है ताकि शांति बनी रहे, change करने हमारे buildings में मतलब कि शांतिमय ढंग से वो बनी रहे और किसी भी तरीके का जो है वो violence ना हो। The difference between conflict transformation and other means of managing conflict is that conflict transformation is a preventive measure। जो उन्होंने difference बताया है कि conflict transformation में और managing conflict में ये है कि वो क्या करता है, prevent करके रखता है कि किसी भी तरीके की warlike situation जो है वो arise ना हो। The possibility of an ethnic conflict is first predicted and then steps are taken in advance to transform the relationships of people so that violence can be prevented। तो ऐसे predictions जो हैं अपनानी चाहिए, ऐसे ethnic ways अपनाने चाहिए ताकि जो लोगों में relationships हैं वो transform हो सकें और हिंसा जो है, हिंसा से सभी लोगों को prevent किया जा सके। अगर जो सभी हैं अच्छे से रहेंगे, किसी भी तरीके की जो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तभी जो है शांतिमय ढंग से शांतिमय जो शांति जो एक तरह का शांति बनी रहेगी और शांतिमय ढंग से जो है डेवलपमेंट हो पाएगी। Conflict transformation theory can be traced to the writings of Johann Galtung and Johann Paul Lidach। जो conflict transformation theory है वो कहाँ से ली गई है, Johann Galtung से और Johann Paul Lidach से। So changing nature of warfare, तो आज जो युद्ध है उनकी भी नेचर चेंज हो रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी कारण जो एक आजकल के युद्ध हैं वो बहुत ज़्यादा भयानक हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा व्यक्तियों को जान का खतरा हो जाता है कि अगर ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन जो है अराइज हो सके। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन कंपैरिजन टू द वॉर्स ऑफ द प्रीवियस सेंचुरीज द वॉर्स ऑफ द प्रेजेंट इरा हैव बिकम मोर इंटेंस। पहले सेंचुरीज में जैसे वॉर्स होते थे, जैसे युद्ध होते थे, अब के जो युद्ध हैं वो और ज़्यादा जो हैं वाइडर हो गए हैं। This change in intensity of war is because of the following reasons। और इसीलिए जो है इनके अपने reasons हैं। Number one is the intensity of wars has increased since the introduction of the concept of armies। कहते कि wars इसलिए और ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल जो है armies रखी जा रही हैं। The duration and number of bails in the recent wars has also increased। तो बेल्स जो हैं वो भी उन्होंने इंक्रीज़ की हुई हैं। द एरिया अफेक्ट ड्यू टू मॉडर्न वॉर्स हैज़ ऑल्सो एक्सपेंडेड। जहाँ पर वॉर्स होते हैं एरियाज़ भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। दिस इज़ ड्यू टू द बेटर टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है आगे से आगे बढ़ रही है और वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ रहा है। The civilian population nowadays feel more deeply involved in war as compared to the days of the past। अब जो civilians हैं वो अपने आप में ज़्यादा जो है सोचते हैं कि हम भी involved हैं
वॉर में पास्ट में जो है ऐसा नहीं सोचते थे. द मॉडर्न वॉर्स इन्वॉल्व मोर नेशंस. मॉडर्न वॉर जो है युद्ध हैं उनमें ज़्यादा नेशंस जो है पार्टिसिपेट करती हैं, इन्वॉल्व होती हैं. मोर पीपल एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सेंचुरीज. और पहले सेंचुरी से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं आजकल इसमें युद्ध में इन्वॉल्व होते हैं. मॉडर्न वॉर्स आर फॉर थ्रू आउट द ईयर एज कम्पेयर टू अर्लियर वॉर्स. मॉडर्न वॉर जो आजकल हैं कई बार सालों तक भी चलते रहते हैं, कई बार साल भी चलते रहते हैं. पहले जो है वो ऐसा नहीं होता था. सो अब की जो वॉर्स हैं प्रीवियस टाइम से कंपेयरेबली थोड़ी ज़्यादा जो है भयानक हो चुकी है, क्योंकि आज जो है बहुत सारे वेपन्स बन चुके हैं, डिस्ट्रक्शन के बहुत सारे वेपन्स बन गए हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है. तो यही जो इसमें समझाना चाह रहे हैं. सो होप यू लाइक दिस चैनल. जय हिंद, जय भारत.